due to heavy rain. निकल जाएंगे यार, चंडीगढ़ होकर निकल जाएंगे। सर मेरे लाइफ का सबसे जो मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, इतना भयानक सीन मैंने देखा अपनी लाइफ का। मैं खुद फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में ब्यास नदी के अंदर कम से कम 4 से 5 गाड़ियां हमारे सामने गई ऐसे, बड़े से बड़े ट्रक बहते गए हैं, लेकिन कोई वहां पे कोई सलूशन नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने देखा, मतलब इतना बुरा हालात था ना, बस पूछो मत। भगवान का शुक्र हम पहुँच गए यहाँ पे, जैसे पहुँच गए। नमस्कार, मैं हूँ मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता, एक नज़र के खास रिपोर्ट। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत सामने दिख रहे 4 युवाओं ने सिद्ध की है। मौत को मात देकर सिरसा लौटे हैं, आज सुबह सिरसा लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल के मणिकरण साहिब में ये 4 युवक गए थे और जिस तरह की तस्वीरें इन दिनों आपने देखी, तो वहाँ ये युवक मौत को मात देकर, जी हाँ दोस्तों, मौत को मात देकर सिरसा लौटे हैं। तमाम चर्चा करते हैं इनसे। तो किस तरह से सर, क्या मंजर आपने देखा, क्या माहौल रहा? बहुत ही ज़्यादा खराब था जी, बस आ गए जैसे भी बच के आ गए। तो कब गए थे सर, कब पहुँचे थे, किस तरह से ये बादल फटा? 7 तारीख को निकले थे जी यहाँ से, ठीक है, 8 को हम वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ जाके होटल लिया हमने, और वहाँ जाके हमने आ गए मणिकरण साहब गए। वहाँ से जब हम वापस आए तो वापस आते समय बारिश चालू हो गई और वहाँ बादल फट गया, तो उसकी वजह से हम दिक्कत ज़्यादा आ गई थी वहाँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम इंदर है। और सर, किस तरह का माहौल सर वहाँ? सर मेरे लाइफ का सबसे जो मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, इतना भयानक सीन मैंने देखा अपनी लाइफ का। हमें पता है हम कैसे वहाँ से सिचुएशन निकल के आए, वहाँ की गवर्नमेंट का आप लगा लो, किसी का भी लगा लो, किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हमने लड़ झगड़ के कल हमने वहाँ से खुलवाया ब्लॉक, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। मेरे पास की वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा अगर हो सके तो। और वहाँ पे कुछ भी खाने पीने पानी का किसी टाइप का कोई बंदोबस्त नहीं, जो बंदा जिस सिचुएशन बैठा है वो उसी सिचुएशन बैठा है, कोई किसी टाइप का भी कोई भी इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे नेटवर्क वगैरह सब बंद कर दिए गए ताकि वहाँ की कोई भी रिपोर्ट बाहर ना निकल पाए। ये तो हम जहाँ पे थे वहाँ पे लगभग 150 से 200 गाड़ियाँ थी, और हमें सुनने में आया उससे पीछे 10 किलोमीटर पीछे यानी कुल्लू के पास कम से कम 1000 गाड़ियाँ थी जो ऐसे फंसी हुई है। और सर हमारे सामने में, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में ब्यास नदी के अंदर कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ हमारे सामने गई ऐसे, बड़े से बड़े ट्रक बहते गए हैं, लेकिन कोई वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं। और वहाँ हम सर फ्राइडे को यहाँ पे यहाँ से निकले शाम को 4 बजे, और सैटरडे हम सुबह सुबह 7 बजे पहुँचे, हमने होटल लिया है, और 11-12 बजे अप्रोक्सीमेट हमने मणिकरण साहब में गुरुद्वारे मत्था टेका है। और अगले दिन हमें पता चला भी ये सीन हुआ है, हम शुक्र मानिए 11 बजे वहाँ से हम निकल लिए, नहीं तो हम भी शायद वहीं फंसे होते, क्योंकि हमारा संडे का प्रोग्राम था वहाँ जाने का मणिकरण साहब में। और भी क्या कुछ रहा सर, काफ़ी लोग परेशान हैं सर, बहुत लोग परेशान हैं वहाँ पे, 60% तो लेडीज़ थी वहाँ पे। लेडीज़ को हमने देखा है कैसे वो परेशान हो रही है, बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं है, दूध वगैरह नहीं है। वहाँ की अगर मैं पब्लिक का सपोर्ट मानूँ, कम से कम अगर अदर जगह पब्लिक का सपोर्ट होता है, वहाँ की पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं है। जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है वहाँ पे वो चीज़ 50 की दे रही है, यहाँ तक कि लेडीज़ वॉशरूम जाने के लिए भी 30-30, 40-40 रुपये ले रहे हैं वहाँ के पब्लिक वाले। यहाँ पर ये सीन हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम अमित है जी। तो किस तरह का मंजर पहली बार देखा आपने, किस तरह का मंजर? लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने देखा, मतलब इतना बुरा हालात था ना, बस पूछो मत। बस किसी तरह हम कोशिश करके बच के आ गए। एक पेट्रोल पंप मिला जहाँ, मतलब 2 पेट्रोल पंप पे गए थे, एक में पानी मिक्स हो चुका था, दूसरा पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ किसी तरह हमें पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया 1500 का। मैं ऐसा समझो उसी डीजल की बदौलत हम नीचे आए, नहीं तो हमारे पास आने का कोई साधन भी नहीं था, बहुत बुरा हाल था। आने का साधन भी नहीं था? नहीं था बिल्कुल, मतलब डीजल ही नहीं होता तो फिर आता कहाँ से नीचे, गाड़ी का कोई वो नहीं था ना, गाड़ियाँ बह रही थी सारी, गाड़ियाँ बह रही थी, बहुत बुरा हाल था। घरों के ऐसा समझो जी, हम तो बैक क्रॉस करके, किसी ने हमें गाँव का रास्ता बताया कि वहाँ से चले जाओ, हम गाड़ी रात को वापस भी लेके गए, हमारे नेटवर्क तो रात को जा ही चुके थे, हम गाड़ी वापस घुमाने के लेके गए, तो हमने देखा कि सड़कें ना दरारें पड़ी हैं, टूटी पड़ी है, अगर हम उस रोड से जाते तो शायद हम बह भी जाते हैं। और हमारे सामने ही है मेरा फ्रेंड है प्रेम, उसको किसी लड़के ने कहा, अपनी एज वगैरह बताई 23 साल की, और कहता है कि हम दिल्ली से आए हैं। वो हमारे सामने रात को टेंशन में होके अपनी गाड़ी ले गया, आगे ले गया गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी न्यूज़ आई कि उसकी गाड़ी बह गई। अगर उस टाइम सिचुएशन ये थी कि हम भी उसके साथ यही प्लान बनाए बैठे कि हम निकल जाएँ, लेकिन हम चारों ने फ्रेंडों मिलकर ये कहा कि अगर 150-200 गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके साथ हम खड़े रहें,
जब ये निकलेंगी तो भी हम उनके साथ चलेंगे। तो हमने दो दिन वहाँ वेट किया, सब्र किया। हाँ जी, बहुत बुरा ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत दिक्कत, बहुत वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई। मतलब पहली बार देखा है सिस्टम ऐसा ही। भगवान का शुक्र हम पहुँच गए यहाँ पे, जैसे ही पहुँच गए जी। आप चारों दोस्त हैं? हाँ जी दोस्त, यार कंपनी में काम करते, चारों अलग अलग कंपनी में सेल्स है। एकदम से रोड बना, सुबह 11 बजे बनाया, शाम को 3-4 बजे निकल गए हम, बादल फट गया वहाँ से, बादल फट गया पीछे जी। बहुत मुश्किल से पहुँचे हम, बस भगवान का शुक्र हम पहुँच गए जी। मोबाइल नेटवर्क कितने दिन? नेटवर्क दो दिन नेटवर्क बिल्कुल नेटवर्क नहीं, लाइट ही नहीं है, लाइट भी नहीं है ना, लाइट है ना कुछ नहीं है, पानी कुछ भी नहीं यहाँ पे। आगे फिर टूटी है, पीछे फिर टूटी है, आने जाने का रास्ता नहीं है। और तो एक नया टनल नया बना था, उसका मुहूर्त नहीं हुआ था, बस उसमें से मैंने कटवाया जी। लाइफ में पहली बार देखा है बहुत गाड़ी, हमने खुद देखी बैठी गाड़ी जी, ट्रक देखा है हमें, ऊपर से सिलेंडर गिर रहे हैं, मकान गिर रहे ऊपर से गाड़ियों से। तो बिल्कुल मौत को मात देकर ये चार युवक सिरसा लौटे हैं, आंखों देखा मंजर बताया, और जिस तरह के हालात रहे वो भी आपने इनसे सुन लिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।